हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस की है, जो कि सुबह के 7 बजे मैं ले रहा हूं और इसमें पिवट टेबल का टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब बटन होता है, उस पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वीडियोज का अपडेट मिल जाए। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो मुझे मॉरल सपोर्ट मिलेगा और नए वीडियो बना के यूट्यूब पे डालने का, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सिर्फ प्रमोशनल वीडियो डालता हूँ और मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ एडवांस एक्सेल, वीवीएमआई को, एमएस एक्सेल डेटाबेस की, ऑफिस की, टैबलू की। तो ये ऑनलाइन क्लासेस लाइव इंटरेक्टिव एंड वन टू वन होता है, जो कि आप अपने घर पे बैठ के आराम से ले सकते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिया है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो हम लोग डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो दो चार डेमो क्लासेस लीजिए, डेमो क्लासेस लेने के बाद लगता है कि कोर्स बेनिफिशियल है, उसके बाद फिर आप ज्वाइन प्रोसेस को फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन, कुछ लोग और ज्वाइन करने वाले हैं उनसे मिलके। जी, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? पाइवट टेबल पे पिवट टेबल का कौन सा पार्ट था? आई थिंक स्लाइसर कराया था ना मैंने, नहीं, स्लाइसर नहीं आए, स्लाइसर क्या था? नहीं कर, उसके पहले जो फील्ड सेटिंग, फील्ड कैलकुलेशंस। सेटिंग, फार्मूला, फार्मूला सर, फार्मूला एंड फील्ड सेटिंग। ओके, स्लाइसर में नहीं कराया। नहीं नहीं कर, नहीं, आज की टॉपिक में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं स्लाइसर्स के साथ में हम लोग किस तरीके से फिल्ट्रेशन को थोड़ी सी एडवांस और थोड़ी सी डायनेमिक करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है, तो चलिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक ठीक है? है। तो सबसे पहले मैं डेटा लेता हूं, एक डेटा ओपन करता हूं। ये हैंग हो रहा है, दूसरा दो दो तीन तीन वर्जन मैंने अपने एक्सेल पीसी में डाल रखा है ना सर, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा हैंग हो जाता है सिस्टम। देखिए, अलग अलग लोग हैं तो उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है ना। तो पिवट के बदले क्या है सर, कि हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं कि हम अपने हिसाब से जो डेटा है उसको देख सकें, उसमें हमारा स्लाइसर का बहुत ज्यादा रोल होता है, तो हम स्लाइसर इस्तेमाल करते हैं। तो स्लाइसर इस्तेमाल होता है फिल्टर को मतलब कि थोड़ी सी डायनेमिक बनाने के लिए, हम स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो चलिए आपके साथ वही डिस्कस करने जा रहा हूं।
चलिए, तो हम बात कर रहे हैं फिल्ट्रेशन की। सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो क्या होता है सर, जैसे कि हमने अपने डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट किए, एक पिवट इंसर्ट करता हूं मैं, पिवट टेबल एंड ओके। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर मैंने जो हमारा डेटा है उसमें से अगर मान लीजिए मैंने सिटी वाइज हेड काउंट निकाल दिया, ठीक है, सिटी वाइज हेड काउंट निकाल दिया। अब इस स्लाइसर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं जिंदगी, तो हम जो सिटी वाइज हेड काउंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि हम डिपार्टमेंट को ऊपर फिल्टर में रख देते हैं, ताकि मैं यहां से जो भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट करूं उस डिपार्टमेंट का फिल्ट्रेशन है। तो एक बट आपके पास है उस पर तो ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब होता क्या है कि हम एक डेटा के ऊपर कई सारे इंफॉर्मेशन के लिए क्वेरी बनाते हैं, जैसे कि मुझे अब दूसरा चाहिए कि जैसे मैंने सिटी वाइज निकाल दिया तो मैं चाहता हूं कि सिटी वाइज सैलरी भी निकल जाए, तो एक साथ अगर निकालने पर क्या होता है कि फिर उसकी कंपेयरिंग आसान नहीं हो जाती, क्योंकि हम लोग चार्ट भी बनाते हैं इसके साथ, जैसे कि आपके साथ डेटा है और डेटा के साथ आप लोग चार्ट बनाते हैं। तो चलिए पहले पिवट चार्ट के बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके चार्ट को चार्ट के जरिए दिखाना है। सबसे पहले इस बात को करने की चार्ट यूज क्यों करते हैं। चार्ट का यूज हम करते हैं कि हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो चार्ट लगाने का दो तरीका है, एक तो आप एनालिसिस के अंदर जा सकते हैं और एनालिसिस के अंदर जाके अपना चार्ट प्योर चार्ट पर जाके चार्ट लगा सकते हैं। तो ये चार्ट आपके कनेक्टेड हो जाता है किससे, डेटा से। तो अब देखिए इसमें समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए इसके साथ में इसका सैलरी रख दूं तो चार्ट में पता ही नहीं चलेगा क्या किस तरह से, जब अगर सैलरी को मैं काउंट है अगर सम कर देता हूं तो फिर हमारा जो ए था नंबर ऑफ एम्प्लॉय था वो नहीं दिख रहा है, तो इसलिए तिक्रम करना पड़ेगा। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि हर इंफॉर्मेशन को अलग अलग निकालते हैं ताकि उसकी चार्ट और डेटा को देख सके। तो एक सीट पे दो पिवट टेबल लगाना, सबसे बात जानिए कि मैं सीट टू पे एक और पिवट टेबल इंसर्ट करना चाहता हूं, तो पहले पिवट टेबल का अगर मेरा ऑपरेशंस पूरा हो गया है तो हम जाएंगे इस पे सीट वन पे इंसर्ट पिवट टेबल और यहां जहां एग्जिस्टिंग वर्कशीट है इस पे सिलेक्ट करेंगे और सीट टू पे जाके जिस एरिया पे रखना है उस पर क्लिक कर, तो यहां दूसरा पिवट टेबल आ जाएगा। अब दूसरा पिवट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिटी वाइज सैलरी रख दे रहे हैं, सिटी वाइज सैलरी, यहां पे सिटी वाइज सैलरी आ गया, एक मिनट इसको सम कर देते हैं, काउंटर सैलरी आ गया। अब देखिए जब दूसरा पिवट टेबल लगाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पहला पिवट टेबल का ऑपरेशंस पूरा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इसकी इसमें आप कुछ खाने करेंगे, मान लीजिए कि मैं इसमें एक और फील्ड अगर रख देता हूं जैसे ओवर टाइम का रख दिया अभी तो ठीक है, अब जैसे एक और रखूंगा और सीधे उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है।
इसलिए हमने आपको बोला कि एक का ऑपरेशन जब पूरा हो जाए तो दूसरे को आप यूज करो, राइट। उसके बाद मान लो कि तीसरा लगाना है, तो हर बार आपको सीट वन में जाके इंसर्ट करके पिवट लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको कॉपी करके भी यहां पेस्ट करेंगे तो पिवट आ जाएगा। आ गया। अब मैं यहां पे सीटी के बाद सैलरी की जगह पे बोनस डाल देता हूं, एक और चाहिए तो कॉपी किया, यहां यहां पेस्ट करते हैं और यहां पे बोनस की जगह पे ओवर टाइम डाल देता हूं। ऐसे मैं कुछ और करना चाहता हूं तो कुछ और कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल कुछ और करने की मुझे जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना ही। अब इसमें दो चीज, पहले चीज इसमें समझिए, ये हमने इसके अगर इतने सारे पिवट बना रखे हैं तो मैं अगर चार्ट बनाता हूं, चार्ट मान लो हम यही चार्ट लेते हैं, तो सबसे पहली बात है कि चार्ट इससे कनेक्टेड होगा कि आप चार्ट लगाना, अगर पिवट चार्ट लगा चाहते तो लगा सकते हो, अगर आप नॉर्मल चार्ट लगाओगे फिर भी वो पिवट चार्ट ही बनेगा, और आप किसी एक सेल पे कर्सर रखिए पिवट का और चार्ट इंक्लूड कर दीजिए। अब चार्ट लिंक आपकी इस पिवट से है और आप जो है चाहो तो इसको कट करके आप किसी भी जगह पे ले जा सकते हो, किसी भी जगह पे ले जाइए, उसको पेस्ट करिए, और जैसे कि फिल्टर चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करके भी यहां दिख रहा है, सिर्फ चार्ट को भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिटी की जगह कुछ और करना है या फिल्टर हटाना है तो यहां हटा सकते, तो चार्ट को भी आप कट करके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे मूव कर सकते हैं इजीली। तो इसको हम लोग पिवट डैशबोर्ड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है सर। तो चार्ट पिवट चार्ट समझ में आ गया आप लोगों को, डाउट उसमें? ठीक है सर। ओके। तो पिवट चार्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सजेशन का। अब जैसे कि फिल्टर हमने लगाया हुआ है डिपार्टमेंट, तो यहां पे हमने डिपार्टमेंट के लिए हम अगर फिल्टर करते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे अकाउंटिंग सिलेक्ट करते हैं, तो अकाउंटिंग का डेटा सिर्फ इस पिवट को आ रहा है, इस चार्ट को आ रहा है, बाकी पिवट के लिए नहीं आ रहा। मुझे मान लीजिए अकाउंटिंग सबको देखना है तो मुझे हर किसी पे यहाँ पे उसका फिल्टर डालना पड़ेगा और हर किसी का फिल्टर अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा, समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक उठता है, ये तो बहुत टेढ़ी जॉब हो गया, तो उसी इसी चीज के लिए हमारे पास होता है स्लाइस, तो एनालाइज में जाएं और इंसर्ट स्लाइसर। अब आपको जिस जिस पे लगाना है, मुझे मान लीजिए मुझे डिपार्टमेंट पे लगाना है, मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कोर पे लगाना है और मंथ पे लगाना है, तीन चीजों पे लगाना है, तो तीनों चीज को सिलेक्ट करके ओके किया, ये अलग से एक डिजिटल आ जाता है, एक ग्राफिकल इंटरफेस आ जाता है, और उसको हम अपने हिसाब से यहाँ रख लेते हैं, और इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी किया जा सकता है, सिलेक्ट कीजिए, इसकी भी अपनी फॉर्मेटिंग है। इसको यहां सेट कर, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने शेयर तो कर लिया, अब क्या है कि अगर मैं यहाँ अकाउंटिंग सिलेक्ट करता हूं तो अभी भी सिर्फ एक ही पीवर्ड को वो फिल्टर कर रहा है, लेकिन मुझे बाकी पीवर्ड को भी करना है। तो अभी तक हम बाकी पीवर्ड को कनेक्ट नहीं किए हैं, तो कनेक्ट करने के लिए उस पर कर्सर रखिए और एनालाइज में जाइए, यहां पे आपके पास होता है फिल्टर कनेक्शन। फिल्टर कनेक्शन एक्टिवेट क्यों नहीं है? यहाँ पे फिल्टर कनेक्शन डीएक्टिवेटेड है, कुछ तो लग रहा है डीएक्टिवेटेड क्यों है फिल्टर कनेक्शन? अगर डीएक्टिवेटेड है तो उसका एक और तरीका है कि आप पहले स्लाइसर लगा ले, उसके बाद जो है पीवर्ड को कॉपी करें। हम इसको सेलेक्ट किए और कॉपी, ऐसे फिल्टर कनेक्शन आ जाता है, लेकिन तो पता नहीं क्यों डीएक्टिवेटेड है, तो फाइल में कुछ प्रॉब्लम होगी। अब देखिए मैं अगर अकाउंटिंग सेलेक्ट करता हूँ, दोनों हो रहा है ना जी जी। अब एनालाइज में जाइए, फिल्टर कनेक्शन एक्टिवेट हो गया, कुछ दिक्कत थी इस कारण से डीएक्टिवेट हो गया। मैं सिस्टम में बताया ना आपको कि बहुत सारे ये है, दो तीन वर्जन, तीन वर्जन है 7, 13 और 16, तो इस कारण से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो इसको सम कर देते हैं सैलरी और वापस इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और ये हमारा हो जाता है सम ऑफ ओवरटाइम और इसको भी हम इसको सम कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कॉपी नहीं किए हुए हैं तो दूसरा तरीका होता है कि इस पर कर्सर रखिए, एनालाइज में जाइए और फिल्टर कनेक्शन पे जाइएगा तो जितना स्लाइसर आपने इंसर्ट कर रखा है उसका लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद चेकबॉक्स पे आप क्लिक करते चले जाइए और आपका पीवर बनता चल जाएगा। ठीक है जी। अब जरूरी नहीं कि पिवट इसी पे हो, मान लीजिए कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट करके हम तीनों का एक चार्ट बना देते हैं, ये चार्ट हो गया और इसका भी सेलेक्ट करते हैं और एक चार्ट बनाते हैं। और इसको भी सिलेक्ट करके हम एक चार्ट बना देते हैं, पिवट चार्ट से बना लीजिए या फिर वहां इंसर्ट चार्ट से बना लीजिए। और तीनों चार्ट को हम कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करते हैं और इसको कट करके मान लीजिए कि एक डैशबोर्ड शीट या एक समरी शीट पे इसको ले जाके पेस्ट कर देते हैं और इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं एक डैशबोर्ड टाइप का। कोई कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारी रिपोर्ट जो है सिर्फ चार्ट के जरिए ही शो करते हैं, ऐसा होता है ना सर जी ने। अब देखिए, अब मैं स्लाइसर को मैं अपने पिवट पे नहीं रखना चाहता हूं, मैं रखना चाहता हूं बाहर, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको कट करके जहां मैं चार्ट रखा हुआ ना वहां ले आया, तो हम स्लाइसर को भी कट करके अपने हिसाब से कहीं ले जा सकते। ठीक है सर, सॉरी सेलेक्ट किया। अब देखिए डैशबोर्ड का टाइप का हो जाता है इसमें, यहां पे मंथ देखा है,
जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा डेटा जो पिवट है वो फिल्टर हो रहा है, पिवट फिल्टर हो रहा है, चार्ट ऑटोमेटिकली अपना चेंज कर रहा है। अच्छा, तो स्लाइसर के बाद इसमें एक और आता है टाइमलाइन, एनालाइज के अंदर में जाएंगे तो टाइमलाइन, इसलिए डेट है। मुझे मान लीजिए मुझे देखना है कि एक क्वार्टर में कितने ज्वाइनिंग्स हुई है या मंथ में कितनी ज्वाइनिंग्स हुई है, तो इसलिए भी उसको ग्रुप करते हैं, लेकिन ग्रुप सुटेबल नहीं होता है, तो आप फिल्टर के लिए स्लाइसर में टाइप डेट की जगह आप जो है टाइमलाइन ले सकते हैं, तो सिर्फ डेट पे एप्लीकेबल होता है। देखिए, सिर्फ डेट का ही फील्ड आया, बाकी फील्ड नहीं आया हुआ है, तो डेटा में डेट है, तो उस डेट पे आप चाहो तो सिर्फ स्लाइसर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है सर, ओके। इसको मैंने यहां से कट किया और कट करके हमने यहां पर रख दिया। अब मैं यहां पे जैन सेलेक्ट करूंगा तो जैन फैब मार्च, लेकिन वही दिक्कत है कि कनेक्टेड नहीं है बाकी तीनों से, तो वही आपको हर पीवट या चार्ट को सिलेक्ट करना है, लाइन में जाना है, फिल्टर कनेक्शंस हायर डेट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिल्टर कनेक्शंस हायर डेट सिलेक्ट कर लीजिए और फिल्टर कनेक्शंस हायर डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब सब चेंज होगा आपका। ठीक है, अब क्या करें, अभी हम आपको कुछ फाइल्स इसी स्लाइसर के बिहाव से बनाए हुए कुछ डैशबोर्ड्स की फाइल्स आपको मैं भेज रहा हूं, आप लोग उसको सेम बनाने की कोशिश करें। ठीक है सर, जी सर। तो ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ नरेश जी सर, एक ये वीडियो एक बार भेज दो ना सर, मैं फर्स्ट से नहीं देखा प्लीज। ठीक है, मैं थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है सर।